नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A73 5G versus Infinix Zero Ultra का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy A73 5G में 6.44 इंच जबकि Zero Ultra में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Galaxy A73 5G में 3 इंच जबकि Zero Ultra में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Galaxy A73 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy A73 5G में 0.3 इंच जबकि Zero Ultra में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Galaxy A73 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy A73 5G में 181 ग्राम्स जबकि Zero Ultra में 213 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Galaxy A73 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy A73 5G में Super AMOLED Plus जबकि Zero Ultra में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy A73 5G में 6.7 इंचेस जबकि Zero Ultra में 6.8 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy A73 5G में 87% जबकि Zero Ultra में 90.54% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy A73 5G में 393 पिक्सल प्रति इंच जबकि Zero Ultra में 387 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy A73 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Zero Ultra की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy A73 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Zero Ultra में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy A73 5G में Adreno 642L जबकि Zero Ultra में Mali G68 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy A73 5G में Qualcomm Snapdragon 778G और Zero Ultra में MediaTek Dimensity 920MT6877T मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy A73 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि Zero Ultra में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy A73 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Zero Ultra में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy A73 5G में अप टू 1TB जबकि Zero Ultra में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy A73 5G में 5000 mAh जबकि Zero Ultra में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो गैलेक्सी A73 5G में 3 कलर्स जबकि Zero Ultra में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो गैलेक्सी A73 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 44,990 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 44,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें जीरो अल्ट्रा की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy A73 5G में 7 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Infinix Zero Ultra की तो उसमें 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Galaxy A73 5G आगे है, मेन कैमरा में Zero Ultra आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Galaxy A73 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G है, तीसरा गूगल पिक्सल 6 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियलमी GT2 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।